hello students my name is And in this video lecture we are going to start our chapter 1 the lost child so in this chapter there is this kid and he goes to this fair with his parents and he is having fun He's looking at all those things he is attracted towards everything he sees but suddenly he gets lost now what happens after he gets lost so that's we are going to study today सो अ चाइल्ड गोज टू अफेयर विद पेरेंट्स ही इज है एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेट देयर बट इज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम तो उसके पेरेंट्स उसको खरीद के कुछ भी खरीद के नहीं देते हैं वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समन एल्स ऑफर तो फिर वो क्यों मना कर देता है जब कोई और उसको ऑफर करता है वो चीज़ खरीदने के लिए कोई और उसे कहता है कि भाई मैं खरीद देता हूँ तुम्हारे लिए ये चीज़ सो ही रिफ्यूज इज दैट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी वाई So it was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys, emerged a gaily clad humanity. So it was uh, the festival of spring. That means spring me jo festival ho raha tha And uh, wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. That means uh, very cheerfully dressed everyone. The people there were.

कोई वर बी कैरिड ऑन बैंबूज एंड कुछ लोग बुलेट में बैठ के आ रहे थे वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स हिस्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर नाउ देर इज दिस चाइल्ड एंड ही इज वेरी हैप्पी इज फुल ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड ही वाज रनिंग बिटवीन हिज फादर्स लाइक वो अपने uh, फादर के पैरों के बीच में से घूमता हुआ और आ रहा था म चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लैकड बिहाइंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे सो ही नाउ दिस चाइल्ड विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाई एवरी सिंगल थिंग ही सी जो भी वो चीज देखेगा वो उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा थ्रू आउट द स्टोरी हम यही पढ़ेंगे कि वो जो भी देखेगा तो वो वहीं रुक जाता है उसे देखने के लिए फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाएंगे कि कम चाइल्ड डोंट जस्ट स्टैंड देयर लुकिंग एट थिंग्स

मतलब क्या हो गया कि वो वहीं देखता रह जाता था चलते चलते भी हेट स्टॉप टू वेट फॉर हार्ट इवन दो ही इच्छा थी जो desires थी उसकी उनको सप्रेस नहीं कर पाता तो उनको दबा नहीं पाता था इवन दो ही न्यू कि वो उसको एंड में मना ही कर देंगे मतलब ही न्यू दैट ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल जैसे वो उसको देखते थे उस बच्चे को तो उसको खुद ही समझ में आ जाता था कि मुझे ये मना ही कर देंगे मुझे कुछ नहीं दिलाएंगे बट स्टिल उसकी जो तो डिजायर थी वो उनको दबा नहीं पा रहा था आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड नाउ ही प्लीडेड उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज जस्ट गेट मी दिस टॉय हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायर वे His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, Look, child, what is before you? Now, when he asked for that toy, so his father looked at him. He was very angry and he was staring at him. But the mother, she was very tender, she was very soft because of the uh, the free spirit of the day. Everyone was happy, they were fair.

So, क्या दिखा रही है उसको एक मस्टर्ड फील्ड दिखा रही है जो कि इट लुक्स लाइक मेल्टिंग गोल्ड बिकॉज ऑफ दोज येलो फ्लावर्स वो कैसे लग रहा है मेल्टिंग गोल्ड की तरह लग रही है वो फील्ड एंड इट्स लुकिंग वेरी अ ग्रुप ऑफ वर बर्सनिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स नाउ इन दैट फील्ड इन दैट मस्टर्ड फील्ड डिफरेंट इंसेक्ट्स आर फ्लाइंग देर लाइक ड्रैगन फ्लाइज हैं वहाँ पे और बी ब्लैक बी है बटरफ्लाइज है जो वहाँ पे स्वीटनेस ढूंढ रही हैं एंड देर आर फ्लाइंग इन देयर द चाइल्ड फॉलो दैम इन देर इन द एयर विद हिज गे स्टिल इट्स विंग्स एंड ड्रेस्ट एंड ही वु ट्राई टू कैच इट नाउ द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कैच वन ऑफ दोज इंसेक्ट मे बी ड्रैगन फ्लाई और मे बी अ butterfly but it would go fluttering flapping up into the air when he had almost caught it in his hands then his mother gave a cautionary call come child come come on to the footpath he is trying to catch that butterfly or maybe that dragonfly but it's not that easy to catch a butterfly so uh, जैसे ही वो उसके हाथ में उसको लगता है कि मेरे हाथ में आने वाली है वो वहां से उड़ जाती है और फिर अगेन The mother calls, Ke, Ajo beta ajo, is footpath pe jalo. Don't go into the field, is footpath pe jalo. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while being however soon left behind attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from the hiding places to enjoy the sunshine. Now, he is very happily walking uh, side by side वट इज़ द मीनिंग ऑफ अ बेस्ट ऑफ देम दैट मीन्स उनके साथ साथ वो वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में उनके साथ साथ चल रहा था एंड सोन लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट लेकिन फिर से वो वापस पीछे रह जाता है क्यों क्योंकि वहाँ से जो मिट्टी में से इंसेक्ट्स निकल के बाहर आने टू तो इंजॉय द सनशाइन तो उनको देख के वो क्या हो जाता है उनसे वापस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर फिर से पीछे रह जाता है

एज uh, पे बैठे हुए थे और वो वहां पे उसका वेट कर रहे थे तो वहाँ उसको बुला लेते हैं कि कम चाइल्ड कम डोंट जस्ट स्टैंड देर अशार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूप एंड रेनिंग बट लुक हर्ड द कूंग नाउ दिस चाइल्ड इज वेरी इजिली डिस्ट्रैक्टेड बाई एनीथिंग ही सीज़ सो जैसे ही वो ग्रूवमेंटर करता है उसके ऊपर पेटल्स गिरने लगती हैं तो वो उन्हें कलेक्ट करने लगता है लेकिन जैसे ही वो आसमान में देखता है उसको कूंग साउंड कुछ सुनाई देता है तो वो उसको दिखता है कि डब्स उठ रही हैं तो वो पेटल्स को छोड़ के डब्स को देखने लग जाता है तो वो धीरे धीरे हर थोड़ी देर में किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स

The whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Now, as he moves forward, as he moved towards the fair, वो देखता है कि different different तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे, भीड़ आ रही, बहुत सारी. Uh, thongs converging to the whirlpool. That means एक बहुत ज़्यादा crowd बन चुका है, ठीक है? एक भंवर सा बन गया क्राउड वहां पे इकट्ठा हो गया है हर तरफ से लोग आ रहे हैं एंड दैट क्राउड इज मेकिंग अ ओके सो नाउ दिस चाइल्ड इज फैसिनेटेड एंड वो फैसिनेटेड भी है उसको सरप्राइजिंग भी फील हो रहा है कि लाइक इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पे और वो कंफ्यूज भी हो रहा है उन सारी भीड़ को देख के कि मैं कहा जाऊं क्या अ स्वीट मीट सेलर हॉप गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड नाउ एज दे एंटर द फेयर तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही फेयर के गेट पे ही देर वॉज द स्वीट मीट सेलर ठीक है एक मिठाई की दुकान थी वहाँ पे एंड ही वॉज हॉकिंग इज वॉट ही प्रमोट करने के लिए अपने जो भी उसके प्रोडक्ट थे या जो भी वो बेच रहा था उसको प्रमोट करने के ही वो शाउटिंग तो वहाँ पे लोग उसके काउंटर uh, के वहां पे खड़े हुए थे भीड़ लगा के एंड वर लुकिंग एट दिस आर्किटेक्चर जो उसने वहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है अपनी सारी मिठाइयों को सिल्वर और गोल्ड से जो डेकोरेशन किया हुआ है अलग अलग कलर की स्वीट्स है उसके पास तो एवरी वन वेरी फैसिनेटेड बाय दैट द चाइल्ड स्टेड Open eyed and his mouth watered for the Burfi that was his favorite sweet. I want that Burfi, he slowly murmured. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. So he loved Burfi and he asked for a Burfi. But what happens that he knew? कि उसकी बात सुनी तो जाएगी बट मानी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी तो उसने बिना आंसर का वेट किए वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे गार्डन ऑफ गुलमोहर अ गार्लन ऑफ गुलमोहर चाइल्ड सीम्ड इनबली ड्रॉन flowers द बास्केट वेयर half एंड आई want दैट garland."

हल्का से थोड़ा सा बड़बड़ा के बोलता है मतलब वो क्लैरिटी भी नहीं है उसकी वॉइस में क्योंकि उसको पता है जैसे ही वो कुछ मांगेगा उसको मना कर देंगे ये बोल के, के दो, दो फ्लावर्स आर चीप और दैट गार्लेंड इज चीप तो वो वापस से एक आंसर का वेट नहीं करता और वो आगे बढ़ जाता है अ मैन स्ट होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्राम इट द चाइल्ड सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ दीद ही पोल और उसके ऊपर बहुत सारे कलरफुल बलूनस है और वो इतने ब्यूटिफुल कलर्स को देख के दैट रेनबो ग्लोरी ऑफ दिल्कन कलर्स वो रेनबो जो कलर्स हैं एंड दो Silicon, uh, जो सिल्क के जैसा वो बलून्स है इतने उनको देख के उसको बाय हिम दलून्स बिकॉज दे वुड से ही टॉयस बट उसे पता था कि रिप्लाई में क्या आएगा कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो तुम्हारी उम्र बलून से खेलने की नहीं है अब तो

बट जब राउंड अबाउट के लिए वो पूछने वाला होता है तो uh, कोई रिप्लाई नहीं आता है वो इधर-उधर देखता है सब जगह देखता है पीछे देखता है आगे देखता है साइड में देखता है हर जगह देखता है बट उसको कहीं उसके पेरेंट्स नजर नहीं आते अ फुल डीप क्राय रोज़ विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टड क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर टियर रोल from his eyes hot and fierce his flushed face was convulsed with fear panic-stricken he ran to one side from one side first then to the other hither thither in all directions knowing not where to go now imagine this kid this child and he is lost and he is realizing that very slowly कि वो गुम हो चुका है उसके पेरेंट्स जो इतनी बड़ी जगह में इतनी भीड़ में जो दो लोग जिनको वो जानता था वो नहीं है वहां पे एंड नाउ ही ही इज हैज रियलाइज दैट वो खो चुका है नाउ ही स्टार्ट क्राइंग जोर जोर से वो रोना शुरू कर देता है चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागना शुरू करता है कभी इधर भाग रहा है एक साइड में फिर वो इधर साइड में भाग रहा है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपने पेरेंट्स को जोर जोर से चिल्लाते हुए मदर फादर मदर फादर ही वेट हिज़ yellow टर्बन केम अन टाइड एंड हिज क्लोज बिकेम मडी अब उसका जो येल्लो टर्बन जो उसने पकड़ी yellow कलर की बांदी होती है वो खुल जाती है उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं उसको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाए उसकी क्योंकि उसे नहीं पता है उसको डायरेक्शन नहीं, नहीं पता है छोटा सा है he cannot see, नॉट सी तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाए उसको कोई डायरेक्शन नहीं मालूम है उसको ये नहीं पता है कि वो किससे हेल्प मांगे सो इज़ जस्ट शाउटिंग देयर एंड ही इज रनिंग एवरीवेयर ंग रन टू एंड फ्रो इन एंड ऑफ रनिंग फॉर वाइल्ड ही गेव अप वो उसने डिफीट एक्सेप्ट कर लिए कि अब वो हार गया उसको पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं वहाँ चुपचाप आगे खड़ा हो जाता है और उसकी जो जोर जोर से उसका चिल्लाना होता है वो सॉब्स में टर्न हो जाता है लेकिन सिस्कियाँ लेके रोने लगता है बेचारा उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि रोए भी वो कितनी देर तक At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes. What is filmy eyes? Filmy eyes उसके आँखों में जो आँसू आ गए थे तो अब उसको clarity नहीं है उसको clearly दिखाई नहीं दे रहा है ए, There is a film उसके आँखों के सामने हल्की थी उसके आँसुओं की layer बन गई है तो उसको clearly दिखाई नहीं दे रहा है Men, women talking, तो एक idea लगा के बता सकते हैं कि हाँ वहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं

छोटा सा बच्चा है तो उससे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाइट वाले लोग हैं बहुत बड़े लोग हैं तो अब वो हैवी शोल्डर है उनके वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो वो बच्चा बहुत ज्यादा उस भीड़ में परेशान हो रहा है द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू ट्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन टेम्पर्ड अंडर फुट हैड ही नॉट है

कहाँ है क्या है तुम किसके बच्चे हो जैसे वो ये पूछता है वो और ज्यादा तेज रोने लग जाता है ठीक है तो वो आदमी भीड़ को हटाता हुआ उसको बाहर लेके जाता है द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग

The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, "I want my mother, I want my father." The man still trying to make the child happy. बोर हिम gate where गेट flower seller फ्लावर सेलर सेट लुक कैन यू nice flowers चाइल्ड वुड यू लाइक अ गार्डन टू पुट अराउंड your नेक अब उससे पूछता है कि क्या तुमको एक गार्डन खरीद के दू मैं जो तुम अपने गले में डाल सको द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्ट एंड री इंटरटेड हिस्साट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर तो अब वो उसको गार्डन भी नहीं चाहिए उसको अब फ्लावर्स भी नहीं चाहिए Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop, only sobbed. I want my mother, I want my father. Now, usko sweets, parents. So, this chapter, as you must have noticed, Jesse Jesse. जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी कि पहले उसको स्वीट्स चाहिए थे फिर उसको गार्डन चाहिए थी फिर उसको बलून्स चाहिए थे तो ये सीरीज अब तो उल्टी होके आ रही है वहाँ पे कि पहले फिर वो पहले उसको राउंड अबाउट पे लेके जाता है जो पहले उसको इतना मन था जाने का बट अब उसको वहाँ भी नहीं जाना है फिर उसको स्नेक चारमर के पास लेके जाता है फिर उसको म्यूज़िक भी नहीं सुनना है उसको गार्डन भी नहीं चाहिए उसको बलून्स भी नहीं चाहिए उसको स्वीट्स भी नहीं चाहिए उसको अब कुछ नहीं चाहिए उसको अब बस उसके पेरेंट्स चाहिए सो मे बी दैट चाइल्ड एट द एंड रियलाइज दैट व्हाट्स इम्पोर्टेंट जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था तो उसे बाकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट लग रही थी बट जब उसके पेरेंट्स खो गए उसके पास अब उसके पेरेंट्स नहीं है तो अब उसे रियलाइज हो रहा है कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है ये दीज ऑल दीज थिंग्स दे डोंट मैटर वॉट मैटर्स इज दैट कि उसके पेरेंट्स अगर उसके पास होंगे तो फिर उसको अब कुछ नहीं चाहिए होगा ओके सो देट वॉज आर चैप्टर एवरी वन आई होप यू अंडरस्ट इट थैंक यू